नपुंसकत्व, डायबिटीज और वह, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अधिक महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 50 साल का व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले मेरा बिजनेस है, बिजनेस में काफ़ी पिछले 3 साल में लॉसेस हो रहे हैं। अभी तक तो मैं सस्टेन कर रहा था, सिल्डेनाफिल टैबलेट लेता था और सस्टेन कर रहा था। सिल्डेनाफिल लेके इरेक्शन आता है और लिंग में कठोरता अच्छी आती थी और अभी मेरा अच्छे चल रहा था। मतलब जब जब सेक्स करना है तो मैं सिल्डेनाफिल लेके सेक्स करता हूँ और वो ठीक था। पर अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा, फाइनेंस का बढ़ रहा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए, लोग मांगने वाले काफ़ी आ गए और उसमें फिर अभी मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। उसमें मेरी वाइफ जो थी, बोले वो मार्केटिंग देख रही थी मेरे बिजनेस में। मार्केटिंग में उसके काफ़ी लोगों से बाहर संबंध आ रहे थे, मुझे ऐसा शक था कि उनके उसके दो लोगों के साथ में कुछ तो भी संबंध है। और फिर मैंने थोड़ा ट्रैक करना चालू कर दिया तो मालूम पड़ा कि झूठ बोल रही है। जब मार्केटिंग को जाती है तो वो और कहीं से मिलती है, कोई व्यक्ति से मिलती है और वो दो व्यक्ति है। तो मैंने पहले शक नहीं किया, मतलब मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे से इतना प्यार करती है, बहुत ही अच्छा हमारा लाइफ चल रहा है। मगर जब मुझे शक आया तो फिर मैंने चेक किया कि ये समय से वो समय तक वो कहाँ थी। जब उसको पूछा तो उसने बोला नहीं, मैं मार्केटिंग के लिए ऐसा उतर गया। दिन बाद में मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ वो व्यक्ति के साथ में 2 घंटे उसने बिताया करके। और फिर मेरे दिमाग में कुछ ठीक लगाने कि भाई मैं इतना प्यार करता हूँ मेरे वाइफ से और फिर वो इतने बेवफा कैसे हो गई। सिल्डेनाफिल का भी फायदा नहीं हो रहा, पहले सिल्डेनाफिल का फायदा हो रहा था। सिल्डेनाफिल से दवा लेके, वो टैबलेट लेके, सेक्स टैबलेट लेके, सेक्स टॉनिक लेके, बोले मेरा हो रहा था, अभी वो हो नहीं रहा है। इधर दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा हूँ। फिर मैं एक दो डॉक्टर के पास में गया, उन्होंने बोला आपकी उम्र तो वैसी 50 साल की हो गई है और अभी वैसा भी आपका सेक्स पावर कम हो जाएगा, तो उससे भी दिमाग के ऊपर प्रेशर आ रहा। फिर लग रहा है कि अभी मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ इसलिए भाई बाहर जा रही, किसके साथ में कुछ कॉन्टैक्ट रख रही क्या। अच्छा, मुझे इतना विश्वास है कि भाई वो सेक्स, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके नहीं आए होंगे, मिलना जुलना होगा, व्हाट्सएप पे चैट होगा, टॉक चैटिंग वगैरह होगा, मगर बाकी फिर और कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। मगर 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ। और फिर वो जब दिमाग में कीड़ा चालू रहता है तो फिर वाइफ के साथ में सेक्स नहीं कर सकता। अभी वो व्यक्ति कौन है मुझे मालूम है कि मेरा वेंडर ही है कि जिसके साथ में ये इसके संबंध है, और फिर उसके विचार मेरे दिमाग में आते रहते हैं। वाइफ के साथ में कि वो इतनी ऐसी प्यार तो बताती है कि बहुत प्यार करती है, मैं भी उसके ऊपर प्यार करता हूँ, लाइफ हमारा अच्छा चल रहा था और ये ऐसा कैसा कर सकती है। और अभी सेक्स बिल्कुल ही बंद हो गया, पिछले 6 महीने से मैं कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ और अभी इसमें करना क्या। मैंने कहा ठीक है, जो भी है वो आपके ऊपर 3 प्रॉब्लम है। एक आपका प्रॉब्लम है कि आपका बिजनेस में लॉसेस है, आपको देना बहुत है, लोगों का लोन्स बहुत है, डेट्स है। नंबर 2, आपकी उम्र 50 साल की हो गई, वो एक चैलेंज है। नंबर 3, डायबिटीज़ है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है और उसके वजह से सेक्स प्रॉब्लम होता है। नंबर 4, वाइफ का आपके साथ में जो रिश्ता है वो आपको डाउट है भी आ रहा है कि वो बराबर रिश्ता नहीं रख रही है, यार वो थोड़ा मतलब इल्लीगल काम कर रही है या जैसा जय इमोरल काम कर रही है, ऐसा आपको डाउट आ रहा है और वो उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब भाई आपको तो इसके लिए वाइफ को साथ में लाना पड़ेगा, कन्फर्म करना होगा और फिर काउंसलिंग करना होगा। काउंसलिंग जब आप करेंगे तो काउंसलिंग में जो भी बाहर आएगा आएगा, मगर जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हो, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऑनेस्टली आप उसके साथ में जो भी है वो कबूल नहीं करते, वो आपके साथ में ऑनेस्टली नहीं रहती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जितना छुपाएंगे उतना ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम होते जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा, आपको काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा। सिर्फ टैबलेट दो नहीं, बोले मुझे टैबलेट दे दो और वो टैबलेट लेके मैं अच्छा हो जाऊँ, मतलब ऐसा होता नहीं। सिर्फ टैबलेट लेके आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं, आप काउंसलिंग के लिए मेरे पास में आ जाओ। फिर बोले ठीक है, उसने कबूल कर लिया। फिर बोले वाइफ के साथ में मैं आता हूँ। सेकंड थर्ड विजिट में जब आप उनके साथ में बैठे तो वाइफ ने उसके साथ में, मतलब वो जो भी कुछ कर रही थी उसने कबूल कर लिया। उसने ये भी कबूल किया कि मेरा कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ है, बाकी वैसे रिलेशनशिप है, हाँ चैटिंग करती हूँ, हाँ थोड़ा सा उनको मिली भी हूँ मैं व्यक्ति को, और अभी इसके बाद में उसने कबूल कर दिया कि अभी मैं बिल्कुल करूँगी नहीं, जो भी हुआ वो गलत हो गया। और एक दो बार ऐसा हुआ कि इसने कोशिश किया सेक्स करने के लिए और उसका सेक्स हुआ नहीं, तो नेचुरली वो उसकी इच्छा पूर्ण रही वाइफ की, और फिर उसको लगा कि ठीक है अभी डायबिटीज़ है, उम्र हो गई है, तो ताकि मैं कुछ मेरा जो इच्छा है वो बाहर कहीं पूरी कर सकती क्या, और उसमें वो थोड़ा सा बाहर लग गई। उसने कबूल कर लिया कि भाई मेरी ऐसी गलती हो गई, और वो गलती के साथ में उसने ये भी कबूल कर लिया कि अभी मैं ऐसा करूँगी नहीं। इसने भी जो भी है पूरा क्लियर बोल दिया। और मैंने बोला अभी आप ऐसा करो, आप सेकंड हनीमून के लिए आप चले जाओ, एक बार 7-8 दिन घूम के आ जाओ, और थोड़ा ये जो लोड आपके ऊपर चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, बिजनेस का स्ट्रेस है, वो भी सब निकल जाएगा। मतलब कम से कम ये जो वातावरण है वहाँ से आप दूर रहेंगे, आपका बेटा बड़ा हुआ है
उसको थोड़ा सा वो हैंडल करने दो, तब तक आप जरा घूम के आ जाओ। 8 दिन समझ लो कि आपने ऐसी बर्बाद कर दी, 8 दिन के बाद में आप मेरे पास में आइए, फिर हम देखते क्या करना है। बोले ठीक है। वो 8 दिन के लिए, सेकंड हनीमून के लिए वो निकल गए, और फिर 8 दिन के बाद में मेरे पास में आए, बोले हमारा तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी शादी हो गई, इतना अच्छा हमने परफॉर्म किया, सेक्सुअल परफॉर्मेंस वॉज दी बेस्ट, दोनों ने बहुत एंजॉय किया, और दोनों ने अच्छा एंजॉय करने के बाद उनको अच्छा लगा कि भाई ठीक है अभी अपन नया जीवन चालू कर सकते, जो भी हुआ वो पास्ट में हुआ, अभी हम नया जीवन चालू करेंगे, और इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, ताकि काफ़ी सारे ऐसे कपल्स हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर शक करते रहते हैं, और फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, और फिर जब सेक्सुअल परफॉर्मेंस में अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है और फिर प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।